कोविड-19 कहें या कोरोना वायरस कहें, पूरी दुनिया इस वायरस से त्राहिमाम है, हलकान है और पूरी दुनिया में इस बात को लेकर बहसें हैं, चर्चाएं हैं कि आखिर इस महामारी को रोकने के उपाय क्या हैं। क्या वैज्ञानिक अब तक इसका वैक्सीन बनाने का कोई दावा नहीं कर पाए हैं? क्या इसका वैक्सीन जल्द से जल्द खोजा जाएगा, नहीं खोजा जाएगा? लेकिन दुनिया इसे एक बड़े स्वास्थ्य संकट के तौर पर देख रही है और इससे कर गुजरने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा में संयम और संकल्प ही एकमात्र अस्त्र और शस्त्र है जिसके जरिए इस महामारी से बचा जा सकता है। न्यूज 11 में आपका स्वागत है और मैं ऋषिकेश कुमार। हम आपको दरअसल इस महामारी का दिल्ली NCR के इलाके में क्या प्रभाव है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे अपने इस खास पेशकश में और बताएंगे कि न केवल जो अर्थव्यवस्था है या फिर जो यहाँ की रोजमर्रा के जीवन है वो कैसे अस्त व्यस्त है, इसका कैसा असर है। देखिए अभी हम बॉर्डर पर खड़े हैं, दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर पर, और मेरे पीछे देखिए नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाला एक गेटवे ऑफ नोएडा कहा जाता है। यहीं से दिल्ली से नोएडा में एंट्री होती है जो मेन सड़क है। आम तौर पर यहाँ देखिए कि गाड़ियों का स्मूथ है, गाड़ियों की संख्या कम है, बहुत ऐसा कमतर होता है। जब भी आप इस सड़क से गुजरते हैं गाड़ियों का एक रेला रहता है, लंबी कतारें रहती है, लाइन लगती है। लेकिन जिस तरीके के हालात हैं दिल्ली NCR में, अब अस्पतालों के अलावा चाहे वो मॉल हो, बस स्टॉप हो, रेलवे स्टेशन हो, जितने भी रेस्टोरेंट हो, प्रशासन हो, सब लोग एहतियात के तौर पर बरत रहे हैं। सब लोगों के आप अमूमन देखिएगा, सब लोगों के जिम्मे में मास्क है, चेहरे पे लोग ढके हुए हैं, बेहद ज़रूरी चीज़ों को लेकर लोग अपना इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर इसका वैक्सीन, अगर इसका उपाय जल्द से जल्द नहीं आया तो फिर ये आपको 1918 के हुए फ्लू की याद दिलाएगा, प्लेग की याद दिलाएगा, डायरिया की याद दिलाएगा। और अगर इससे बचाव संकल्प और संयम के जरिए यह भी संभव है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों के पास, हमारे स्वास्थ्य के विशेषज्ञों के पास इसका कोई असरदार अभी दवाई खोजने में नाकामयाब रहा है। देखिए कि इसका असर क्या है, लोग मास्कों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं यहाँ पे जगह जगह पर। आप ये आपकी दुकान थी भैया क्या, कितना बिक्री में कुछ कमी आई है? असर बिक्री में कमी आई है? हाँ जी बोलो, बिक्री में कमी आई है, बिक्री होना मुश्किल है, मुश्किल है। आप लोग सर ये आप लोग परमानेंट लगा के रखे हैं? जी जी परमानेंट लगा के रखे। डर लग रहा है या फिर आप लोग ना? ये देखिए अपनी सेफ्टी के लिए है। डर से पहन रहे हैं? सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के लिए। डर आप तो नहीं पहने हुए भाई साहब? दरअसल ऐसा है, मैंने अभी चेंज किया था, गाड़ी में रखा हुआ है, बाकी दूसरा मैंने अभी चेंज किया है। और रही डर की बात, डर से ज़्यादा जागरूकता की ज़रूरत है हमें, ठीक है। और आप देख भी सकते हैं यहाँ पर सफाई भी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इसका धन्यवाद करने के लिए। तो देखिए कि ये हालत है, ये बस स्टॉप है, मुमन यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ होती है और इसको देखिए कि सैनिटाइज किया जा रहा है, साफ सफाई किया जा रहा है, क्योंकि संक्रमण है, वायरस है, वो इसी तरीके से फैलता है। आप इसको छूते हैं अलग अलग जगहों पे, क्या ये विशेष निर्देश है भैया आप लोगों को साफ करने का? विशेष निर्देश है साफ करने का? हाँ जी। तो देखिए कि ये साफ सफाई है, यहाँ पे ये बस स्टॉप है और आमतौर पर ये बस स्टॉप भरा रहता है, लेकिन यहाँ पे बस स्टॉप पे देखिए कि मास्क का इस्तेमाल है, लोग इसको सैनिटाइज भी कर रहे हैं भैया। हाँ, दो मिनट में करेंगे। तो ये इस तरीके का आलम है, अलग अलग जगहों पे आपको इस तरीके के एहतियात बरते जा रहे हैं, चूँकि काफ़ी कम वक्त रहा है, इससे संयम और संकल्प के साथ ही लोग अपने अपने तरीकों से काम कर रहे हैं। दरअसल न्यूज 11 अपने इस खास पेशकश में बताएगा कि सड़कों पर इसका क्या आलम है, जो लाइफ लाइन कही जाती है मेट्रो, उसका क्या आलम है। और देखिए कि हम लोग भी अपने बचाव के लिए, चूँकि बेहद ज़रूरी है ऐसे वक्त में रिपोर्टिंग करना और जोखिम में डालने का, तो अगर आपके पास कोई उस तरीके का मास्क ना हो तो आप रुमाल का इस्तेमाल करें या फिर गमछे का इस्तेमाल करें, यूँ इस तरीके से इसे रखें, लोगों से दूरी बना कर रखें और साथ ही साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। देखिए कि हम लोग भी सैनिटाइज़र को लेकर चलते हैं और किसी से संपर्क ना आए उसको लेकर के। देखिए कि इस तरीके से आप जब भी कहीं बाहर निकलें तो कोशिश करें कि
सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें हम लोग, क्योंकि इसका जो उपाय है ये सुरक्षा जो है वो बचाव, ये संकल्प और संयम ही है और आपकी सेफ्टी है। तो इस तरीके से आप देखिए, ये आप सैनिटाइज करें हाथों को अच्छे से, और फिर इस तरीके से लोगों से हाथ मिलाने से बचें, उन्हें नमस्ते करें। तो अपने इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे कि अलग अलग जगहों पे क्या इसका असर है। दिल्ली का लाइफलाइन मेट्रो, बसें, रेस्टोरेंट, राजनीतिक गलियारों में इसकी क्या असर है, किस तरीके से जो राज्यसभा का चुनाव है वो प्रभावित हो रहा है। तो आप बने रहिए हमारे साथ और चलिए हमारे सफर में दिल्ली NCR में अलग अलग जगहों से क्या क्या हालात हैं, इस कोरोना के महामारी का असर क्या है और लोगों में संयम और संकल्प कितना हद तक है, ये भी आप देखिए। हमारे साथ बन रही है इस खास पेशकश में। कोरोना या COVID-19 का असर ऐसा है कि तमाम धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया है, और अभी न्यूज 11 अक्षरधाम मंदिर, दिल्ली का सबसे मशहूर पैलेस है टूरिस्ट के लिहाज से, धार्मिक लिहाज से, और देखिए ये आलम है यहाँ पे अक्षरधाम मंदिर का। अमूमन आम तौर पर देखिए अक्षरधाम मंदिर में एक टूरिस्ट का बड़ा तबका होता है, पूरा जो ये देखिए मेरे पीछे बगल में पार्किंग है ये आमतौर पर खाली है, अमूमन ये पूरा भरा हुआ होता है, लेकिन इसे एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ वजह बताई जा रही है कि कोरोना का संक्रमण न फैले। कोरोना हमारे देश में तीसरे स्टेज पर है, पहला और दूसरा स्टेज जो है वो पार हो गया है, और अब इसका संक्रमण आपस में क्राउड वाले इलाके में रहने से होता है, और इन सबका सबसे ज़्यादा असर धार्मिक स्थलों पर है, ज़्यादा भीड़ भाड़ का इलाका होता है, और इसलिए देखिए इसे बंद कर दिया गया है। मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूँ अक्षरधाम मंदिर का मेन दरवाजे का, देखिए पूरा बैरिकेटिंग है यहाँ पे, लोगों को आने जाने की मनाही है। सीधे तौर पर कहा गया है कि यहाँ से कोई आ नहीं सकता है, कोई जा नहीं सकता है, और देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है, अस्थायी रूप से ये बंद है, अक्षरधाम मंदिर के प्रशासन की तरफ से है। अच्छा, ये मंदिर अस्थायी रूप से भी बंद कर दिया गया कोरोना की वजह से। कोरोना वजह अगले आदेश तक आप लोग भी ये मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, जब है तो करने तो पड़ेंगे सभी को, करने चाहिए सभी को। तो देखिए कि न केवल चूंकि प्रशासन मीडिया सबसे ज्यादा मुस्तैदी से है और उन्हें ही सबसे ज्यादा काम करना पड़ रहा है, तो एक इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उनके सीनियर अधिकारियों की तरफ से कि कैसे किस तरीके से संकल्प और संयम के साथ क्या क्या सावधानियां बरतनी है, मसलन बच्चों और बूढ़ों पर कैसा खासा ख्याल रखा जा रहा है, और दिल्ली पुलिस के अधिकारी अलग अलग अपने स्टाफ को अपने तरीके से गाइडलाइन दे रहे हैं और समझा रहे हैं कि कैसे इस विपरीत परिस्थिति में अपनी जिम्मेवारी का भी निर्वहन करें और साथ ही साथ देश को इस संक्रमण से बचाने की भी कोशिश करें। आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और तस्वीरों से आपको रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि कोरोना या COVID-19 का इस देश समेत पूरी दुनिया में किस तरीके का असर है। दिल्ली मेट्रो पूरे NCR और राजधानी की लाइफलाइन कही जाती है, और सबसे ज़्यादा असर कोरोना या COVID-19 का इसी सेक्टर पर है, क्योंकि लोगों की आवाजाही का सबसे सरल और सबसे बेहतर माध्यम है। अक्षरधाम मंदिर, अक्षरधाम जो रेल मेट्रो स्टेशन है उसके पास अभी न्यूज 11 है, और देखिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबके गले में मास्क है। कल कर्फ्यू कर लेकर क्या सोच रही है, जो प्रधानमंत्री ने कहा है सही है, सही है हाँ। कल आप लोग उसका पालन कर रहे हैं? हाँ जी। तो देखिए कि आमतौर पर जितने भी लोग हैं जो भी मेट्रो से सवारी कर रहे हैं, एहतियात के तौर पर मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हालत यह है कि बिल्कुल सन्नाटा पसरा है, लोग आने जाने से कोशिश कर रहे हैं कि बच रहे हैं, और इसी बीच जनता कर्फ्यू है, लोगों को संकल्प और संयम के साथ। देखिए कि आप लोग को यात्रा करना कहाँ क्या करते हैं? DMRC में जॉब करते हैं। अच्छा, DMRC में जॉब करते हैं, क्या क्या गाइडलाइन है आप लोगों ने तो लंबा चौड़ा गाइडलाइन जारी किया? अभी तो जारी नहीं किया, लेकिन कल पता लग जाएगा, कल तक बता देंगे क्या जारी।
तो देखिए कि जितने भी लोग हैं सब लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग एक लोग। हाँ, क्या करते हैं आप? ना, सफाई का काम करते हैं। सफाई का काम करते हैं। तो देखिए, जो रोजमर्रा से जुड़े हुए लोग हैं वही घरों से निकल रहे हैं लोग, जिसमें पुलिस वाले, मीडिया कर्मी, जो सफाई कर्मचारी हैं, ऑफिस बियरर हैं, जो काम कर रहे हैं। और इसी तरीके के हालात आपको अन्य जगहों पे देखने को मिल जाएंगे। आप रहिए हमारे साथ, कुछ और तस्वीर आपको दिखाएंगे। राजनीतिक गलियारों में इसका क्या असर है, रेलवे स्टेशन पर इसका क्या असर है, आप चलिए हमारे साथ। और महामारी से बचने का संकल्प और संयम इस देश के लोग कैसे निभा रहे हैं, दिल्ली NCR के लोग कैसे निभा रहे हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं अपने इस खास पेशकश में। आमतौर पर राजनीति, नेता, राजनीतिक दल, इसके बारे में देश में आम लोगों की धारणा अच्छी नहीं है। अक्सर इन पर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है। कहा जाता है काजर की कोठरी है, जो इसमें होता है उसके हाथ गंदे होते हैं, उस पर कहीं ना कहीं छींटे होते हैं। लेकिन देखिए, कोविड और कोरोना के इस महामारी के खिलाफ जंग में न केवल राजनीतिक दल बल्कि राजनेता सभी लोग किस तरह एक्टिव हैं। फिलहाल न्यूज 11 अभी आपको भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय की तस्वीर दिखा रहा है, केंद्रीय कार्यालय ये 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग की तस्वीर देखिए। आम तौर पर यहाँ पे काफ़ी चहल पहल होता है, काफ़ी खुशनुमा माहौल होता है, काफ़ी भीड़ होता है, सत्ताधारी दल है, अलग अलग तरीके की बातें होती है, पूरे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन यहाँ भी सन्नाटा पसरा हुआ है, तमाम लोगों के लिए यहाँ पे एंट्री रोक दी गई है, चाहे वो नेता हो, कार्यकर्ता हो, महासचिव हो, सचिव हो, प्रवक्ता हो, बगैर कोई ज़रूरी काम के यहाँ आने न देने को लेकर सख्त हिदायत है। आप अमूमन अगर आपको यहाँ जाना हो तो फिर आपको बहुत सारे यहाँ चीज़ों से आपको गुजरना पड़ेगा एहतियात के तौर पर, मसलन वो मैपिंग है। कितना है? 96.66। ठीक है, बढ़िया से बाहर ठीक है। गाइडलाइन ये है, एक तो इसमें कार्यकर्ता नहीं आएंगे और मीडिया को भी वो बंद कर दिया गया आने के लिए, केवल कार्यालय के जो कर्मचारी है वो भी आएंगे, पर उनकी भी संख्या कम कर दी गई है। एक दिन जैसे 20 जने हैं तो एक दिन 10, एक दिन 10 ऐसे करके आएंगे। बिल्कुल की, और यहाँ पे खास निर्देश दिया गया है कि देखिए, मुख्य कार्यालय परिसर के बाहर ये बोर्ड लगाया गया है, इस परिसर में प्रवेश न करें। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण है, मसलन खांसी है, छींक है, सांस लेने में तकलीफ है, बुखार है, या फिर बहती नाक है, अगर आपको सर्दी है, क्योंकि ये वो लक्षण है जो कोरोना के लक्षण कहे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इन्हीं के जरिए संक्रमण फैलता है। तो ये BJP कार्यालय की तस्वीर है। आमतौर पर देखिए यहाँ सन्नाटा है, लेकिन जो भी गाइडलाइन है, मैपिंग है, वो सबको पूरा किया जा रहा है। और ये हालत है, सियासी गलियारा भी अछूता नहीं है। राज्यसभा के चुनाव होने हैं 26 मार्च को, और इस पर भी असर पड़ रहा है। मसलन कि कांग्रेस के जो वहाँ प्रभारी हैं, PL पूनिया पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, उन्हें जाना था लेकिन वो वहाँ नहीं जा पा रहे हैं इस महामारी की वजह से। तो संयम और संकल्प जो प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं, ये मंत्र है, क्योंकि बचाव ही आपकी सुरक्षा है। और अगर आप बाहर घूम रहे हैं तो देखिए इस तरीके के मास्क का इस्तेमाल करें, लोगों से दूरी बना कर रखें। लेकिन ये आलम है, यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। हम आपको और बताते हैं रेलवे स्टेशनों पर क्या हालात है, यहाँ पे मुसाफिर किस तरीके से हलकान है, और क्या कोरोना से बचने को लेकर देश में एहतियात किए जा रहे हैं। न्यूज 11 अभी फिलहाल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर है, और सबसे ज़्यादा अगर एयरपोर्ट के बाद ज़्यादा भीड़े हैं, ज़्यादा त्राहिमाम है और ज़्यादा असर है तो वो रेलवे स्टेशनों पर है। एहतियात भी यहाँ ज़्यादा बरता जा रहा है। और एक नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का, देखिए जितने भी यहाँ पर मुसाफिर हैं सबके आप मुँह पर देखेंगे मास्क का इस्तेमाल है एहतियात के तौर पर। और अलग अलग जगहों से आप कहाँ जा रहे भैया?
दिल्ली टू पटना जा रहा हूँ क्योंकि कोरोना के चलते प्रधानमंत्री ने बोला अपना भी ख्याल रखो और दूसरे का भी ख्याल करोगे, तो बट इसका प्रचार प्रसार करने के लिए मैं पटना जा रहा हूँ और वहाँ पे फिफ्थ फ्री में सबको मतलब मैं मास्क भी दूंगा और इसका मतलब मिशन को मैं क्या करते हैं, मैं अभी सोशल मीडिया में हूँ और सोशल वर्कर भी हूँ और बट मैं मोदी जी का अच्छा मतलब मैं उनका फैन भी हूँ और ये सकारात्मक जो मतलब पॉजिटिव है मतलब ये आगे सबको बढ़ाने के लिए और सबको आगे मतलब मैं मीडिया वालों को थैंक्स करता हूँ जो कि इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और सबको ये अच्छा काम कर रहे हैं मतलब। तो देखिए कि अलग अलग जगहों से हैं आप, 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 आप कहाँ रहते हैं, कहाँ जा रहे हैं? सर अभी हम लोग परी चौक से, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा परी चौक, अभी बिहार जाएंगे औरंगाबाद जिला। क्यों जा रहे हैं? कोरोना के चलते, हाँ कोरोना। क्या आपको लग रहा है, डर लग रहा है? डर नहीं सर, तो हम लोग तो कोरोना के बस में है ये थे जो वहाँ पर मैं चाइनीज केवल काम करवाता था, चाइनीज के साथ रहते थे, उन लोग कहाँ ज़्यादा ये प्रभावित हुआ था। क्या बोल रहे थे? ये हम लोग बोल रहे हैं कि जहाँ सब काम बंद हो गया तो हम लोग जा रहे हैं अब घर। आप बताइए, आप क्या बोल रहे थे भैया? तो देखिए कि यहाँ इस तरीके, आप कहाँ से कहाँ जा रहे भैया? हमें जाएगा कोलकाता सर। कोलकाता, दिल्ली रहते हैं? मैंने कतर से आया। कतर से? हाँ कतर से आया, कोलकाता जाएगा अभी। वहाँ नहीं है ना क्या कोरोना तो हो गया उधर? हो गया, हाँ हो गया कोरोना, हो गया कोलकाता। चाहे वो कतर हो, ग्रेटर नोएडा हो, चाहे वो अन्य जगहों पे हो, सोशल मीडिया में काम करने वाले हो, एनजीओ के हो लोग, और ये देखिए कि यहाँ पे ये असर है, इस तरीके के लोग भी हैं जो घूम रहे हैं। कुछ और तस्वीर आपको बताते हैं कि रेलगाड़ियों की क्या स्थिति है, क्या वहाँ मुसाफिरों का व्यवस्था है, किस तरीके के प्रशासन मुस्तैद हैं। आप चलिए हमारे साथ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आपको न्यूज 11 बता रहा है कि कोरोना का असर कैसे और उसको लेकर हलकान है नीचे तबका, जो मजदूर तबका है, जो कामगार तबका है। और देखिए नई दिल्ली पर जो दरभंगा जा रही है, नई दिल्ली दरभंगा संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस, कहा जाता है कि ये ग्रामीण और शहरों को जोड़ती है। दिल्ली से सुदूर जो ग्रामीण इलाके हैं, न केवल बिहार, उत्तर प्रदेश का जो इलाका है वहाँ, और देखिए कि लोग बच्चे हैं जा रहे भैया, वो भाई साहब कहाँ जा रहे हो आप? घर 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 जा रहे हैं। कोरोना से? हाँ कोरोना से। क्या भाई साहब कोरोना की वजह से जा रहे हैं? नहीं नहीं। तो देखिए कि ये हाल है यहाँ पे, किस तरीके का हालत है यहाँ पे? कोरोना बुरा हाल है, बुरा हाल है, कोरोना के डर से क्या जा रहा है यहाँ पर? काम धंधा बंद हो रहा है, जा रहा है आदमी, बच्चों के साथ लोग परेशान हैं। आपको कहाँ जाना भैया? तो ये आलम है, आप बताइए भाई साहब कहाँ जा रहे हैं आप लोग, कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं आप? एमपी मध्य प्रदेश। मध्य जी, एमपी सीधी। कहाँ जा रहे हैं? यहाँ दिल्ली रहते हैं जी। ये कोरोना? हाँ कोरोना की वजह से जी। कोरोना का असर नहीं? नहीं गांव में नहीं है। मास्क वगैरह क्यों नहीं लगा रहे? नहीं है मास्क, है ले रखा हूँ, वो लगाया। आप लोग कहाँ जाएंगे भैया? बिहार पटना में। कहाँ रहते हैं? दिल्ली। दिल्ली, क्या कोरोना की वजह से जा रहे हैं? हाँ घर वाले बुरा रहे हैं। हाँ कंपनी बंद हो चुकी है कोरोना के कारण, कंपनी बंद हो चुकी है। आप भी काम करते हैं? हाँ हम लोग तो जा रहे हैं, दिल्ली बंद, हम लोग पढ़ाई करते हैं, हम लोग जा रहे हैं, गांव जा रहे हैं, घर परिवार बुला रहे हैं। जी जी हाँ जी हाँ। तो देखिए ये सवाल सिर्फ और सिर्फ बीमारी महामारी के रोकने का नहीं है। आप कहाँ जा रहे भैया? इलाहाबाद। इलाहाबाद, क्या करते हैं आप? सर जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब। कंपनी में? कंपनी ने छुट्टी दे दिया? जी जी। क्या बोला? टेन डेज आफ्टर छुट्टी, दस दिन की छुट्टी है। तो देखिए कि अमूमन जितनी भी कंपनियां हैं या फिर जो छोटे कंपनियां हैं वहां काम बंद हो गया है और कहा जा रहा है कि इस महामारी का असर आने वाले वक्त में खास करके मंदी महामंदी पर होगा। मंदी और महामंदी के बारे में कहा जा रहा है कि अगर छोटी छोटी कंपनियां बंद होगी, और इसका सिंपल आर्थिक फॉर्मूला है कि अगर प्रोडक्शन बंद होगा तो निश्चित तौर पर मांग में कमी आएगी, और जब मांग में कमी आएगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे, और ऐसे में फिर मंदी और महामंदी का दौर आएगा जो इस बीमारी से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इससे न केवल परिवार चलता है
पेट चलता है बल्कि उससे समाज और देश का हित भी जुड़ा रहता है। तो कोरोना और कोविड-19 के बचाव का एकमात्र सहज उपाय लोगों से दूरी बनाकर रखें, संकल्प और संयम से रहें, अपने घरों में रहें, लोगों को जागरूक करें और अपने हिसाब से लोगों को काम करने दें, कम से कम बाहर निकलने के लिए बचें। तो न्यूज 11 में आज फिलहाल इतना ही। अभी इस खास पेशकश में कुछ और चीज़ों से आपको रूबरू कराएंगे, तब तक आप देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार, अपने सहयोगी शशि और गौरव को दीजिए इजाज़त।